चौकावा जनपद से जहां नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव कुतुबुद्दीनपुर में चुनावी रंजिश के चलते बीते दिनों हुई फायरिंग के दौरान गोली लगने से एक महिला घायल हो गई थी। इसी मामले में तहरीर के आधार पर पुलिस ने जिला पंचायत सदस्य सहित 7 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। आपको बता दें, 2 दिन पूर्व चली गोली से पुष्पा देवी पत्नी प्रवेश कुमार घायल हो गई थी, जिसे लेकर देवर अवधेश कुमार पुत्र महेंद्र ने 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें समाजसेवी जिला पंचायत सदस्य यशवी आर्य का भी नाम सामने आया। जब मीडिया ने इस मामले में जिला पंचायत सदस्य से बात की तो यशवी आर्य ने क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। यशवी आर्य, जिला पंचायत सदस्य, नवाबगंज प्रथम, जनपद फर्रुखाबाद। सर, आपके ऊपर जो आरोप लगाया गया है, मुकदमा दर्ज किया गया है, ये तो क्या मामला है? ये मामला कुछ नहीं, हमारे जिला पंचायत क्षेत्र में गांव पड़ता है कुतुबुद्दीनपुर। 12 नवंबर को वहां एक पैसे के तगादों को लेकर एक रामवीर सिंह है, उनकी पत्नी सरोजनी देवी के पड़ोसी महेंद्र सिंह की पत्नी पर कुछ रुपए उधार थे, जिनका उन्होंने तगादा किया था। उसी को लेके महेंद्र के घर वाले और उनके समर्थक वर्तमान प्रधान पति देवर और उनके परिजनों के द्वारा दबंगई में उनके घर पर चढ़कर सरोजनी देवी के घर पर गाली गलौज मारपीट और जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई थी, जिसमें सरोजनी देवी गोली लगने से घायल हो गई थी, जिसकी सूचना मुझे भी मिली थी। चूँकि घायल की सूचना मिला, मैं अस्पताल में देखने गया नवाबगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जहाँ यहाँ पुलिस की गाड़ी उन्हें लेके आई थी। वहाँ से एम्बुलेंस तत्काल न होने पर मेरी गाड़ी से उन्हें लोहिया हॉस्पिटल फर्रुखाबाद ले जाया गया था। इसी की रंजिश को मानते हुए प्रतिद्वंदी, जिनके खिलाफ सरोजनी देवी के पति रामवीर जी के द्वारा मुकदमा लिखाया गया था, उनके द्वारा 3 दिन बाद उस मुकदमे में दबाव बनाने के उद्देश्य से, समझौते के उद्देश्य से, एक सुनियोजित ढंग से कूट रचित एक घटना बनाई गई 15 नवंबर रात्रि 11 बजे, जिसमें मुलजिम पक्ष ने अपने घरों की तरफ 2-3 फायर किए, जैसा कि बाद में जानकारी हुई थी, और उसमें एक महिला के घायल होने की एक सूचना दी। उस घटना के संबंध में पहले से घायल सरोजनी देवी के पुत्र द्वारा थाना अध्यक्ष नवाबगंज व पुलिस अधीक्षक फर्रुखाबाद को भी तत्काल ही उस घटना से अवगत कराते हुए भी अंदेशा जताया गया था कि उक्त लोग हम लोगों को किसी मुकदमे में फंसा सकते हैं। जिस समय की घटना 11 बजे की बताई गई है, उस समय मैं एक शाम 9 बजे, 15 नवंबर शाम 9 बजे से 11 बजे तक मैं फर्रुखाबाद में वैवाहिक कार्यक्रम में था। 11 बजे के समथिंग जब वापस आ रहा था फर्रुखाबाद से, तो बाईपास में एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी मदद में हमारे लोग और हमारे साथ जो लोग थे उन्होंने मदद की। वहाँ SHO मऊ दरवाजा को फ़ोन से सूचना दी, हल्का इंचार्ज को भी बताया, 108 नंबर एम्बुलेंस को भी बुलाया। उसके बाद हम लोग घर चले आए। जिस समय दिन की ये घटना 120 की बताई जा रही है, षड्यंत्र की, रात दोपहर 1 बजे की, उस दिन 11:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक मेरे क्षेत्र के 3 लोगों की मौत हो गई थी। उस संबंध में मैं 2.5 घाट शमशाबाद गंगा जी पे था। इससे ये जाहिर होता है कि दोनों घटनाओं में मेरा कहीं पे भी 1% भी दोष नहीं है। केवल राजनीतिक प्रतिद्वंदता और राजनीतिक रंजिश के कारण मुझे केवल इन्वॉल्व करके मेरी प्रतिष्ठा को छवि पहुंचाने और क्षति पहुंचाने के लिए ये घटना और मुझे इन्वॉल्व किया जा रहा है इस घटना में। बाकी मुझे उम्मीद है आप लोगों के माध्यम से कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय बहुत ही ईमानदार अधिकारी हैं, उनके द्वारा निश्चित तौर पे 15/11/2021 की बनाई हुई घटना की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ जांच कार्रवाई करेंगे। और मेरा उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सही जाँच होने पर उक्त दोषी लोगों को ही सही सजा मिले, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और पुनः आप लोगों के माध्यम से भी, पुलिस अधीक्षक महोदय से भी अनुरोध है कि इसकी निष्पक्ष जांच कराकर, जिससे जिन लोगों के खिलाफ पुलिस मुठभेड़ जैसे 1-1 दर्जन लगभग मुकदमे दर्ज हैं, वो लोग केवल दबंगई दिखाकर और इन मुकदमे में दबाव बनाने के उद्देश्य से ये क्रॉस केस, जो जवाबी मुकदमे लिखाने का प्रयास करते हैं, प्रयास किया है, ऐसे लोगों को आगे वो कोई ऐसा फर्जी मुकदमा ना लिखा सकें। इसलिए सही जांच होकर, निष्पक्ष जांच होकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।